ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज हम लोग फिर से 10th क्लास के लेक्चर के लिए हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप कंटिन्यूस अगर देख रहे होगे यूट्यूब पे, अगर मेरे चैनल को अगर फॉलो कर रहे होगे, तो आपको एक के बाद एक वीडियोज एक लाइन से आपको मिल रहे होगे 10th क्लास के भी और 12th क्लास के भी, जो बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड 10th क्लास में। अभी बायोलॉजी हमारा चालू है तो सारे वीडियोज आपको कंटिन्यूसली मिल रहे हैं। तो बच्चा पार्टी कैसा है, मेरा मोटो सिर्फ इतना है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं नॉलेज क्या करना, इंप्रूव करना, और आप लोगों ने भी इसके लिए क्या करना है कि आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करना है। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, और जो मेहनत करेगा, जो अपने आप को घिसेगा, वो जितना अपने आप को जो घिसेगा उतना क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। क्योंकि शाइनिंग जो होती है, शाइनिंग हमने अपने माइंड को शाइन करना है। अब शाइनिंग कब आएगी कोई भी चीज में, जितना आप उसको घिसोगे। अब जितना घिसोगे मतलब क्या करोगे, जितना उसको यूज करोगे, जितना आप पढ़ोगे, जितना रीडिंग करोगे, जितना आप पढ़ोगे उतना आपका माइंड ब्रिलियंट बनते जाएगा। क्या बनते जाएगा, ब्रिलियंट बनते जाएगा। क्योंकि अपने माइंड को अगर ब्रिलियंट अगर बनाना है तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा। क्या पकड़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट पकड़ के क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बायोलॉजी रटना नहीं है, रटोगे रट्ठा मारोगे तो कुछ समय तक के लिमिटेड चीजों को याद रख पाओगे। रटने से सिर्फ लिमिटेड चीजें याद रहती है, लेकिन अंडरस्टैंड करोगे, अगर अंडरस्टैंड करोगे तो बहुत सारी चीजों को आप क्या कर पाओगे, ज्ञान आप ग्रैप कर पाओगे। तो आपको अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करके आपको क्या करना है, पढ़ना है बच्चा पढ़। तो हमने इससे पहले के लेक्चर में हमने क्या पढ़े थे, इवोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में जानने का प्रयास किए थे, और किस प्रकार से ओरिजिन हुआ फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ, हमने इस बारे में क्या कहते जाने। पहले हमने ओरिजिन कैसे हुआ देखे, फिर उससे फिर बाकी की जितनी भी लाइफ बन रही है ये लाइफ कैसी बनी, यह इस बारे में हमने देखे थे, डिस्कस कर चुके थे। तो आज हमको पढ़ना है न्यू टॉपिक, एंड दिस टॉपिक इज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये टॉपिक है आज का हमारा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन की थ्योरी के बारे में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। बहुत जबरदस्त टॉपिक है बच्चा पार्टी, बहुत जबरदस्त। अब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मैंने अगर टॉपिक बोला हूँ, इवोल्यूशन की थ्योरी क्या बोलती है, पहले इस चीज को समझ लो, मोटी मोटी चीजें। और उसके लिए हम लोग प्रूफ भी ढूंढेंगे वो थ्योरी सही है, ये साबित करने के लिए हम लोग प्रूफ भी डिस्कस करेंगे कि सही में वो थ्योरी जो बोल रही है वो सही है या नहीं। तो सबसे पहली चीज इस थ्योरी का बोलना ये है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का बोलना क्या है कि जो फर्स्ट लिविंग मटेरियल आया, बोले जो फर्स्ट लिविंग मटेरियल आया उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। नोट करने लायक बात है प्रोटोप्लाज्म, ये एमसीक्यूज के लिए क्या हो सकता है पूछ सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है ना, या वन मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट लिविंग मटेरियल जो था जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म, हैज बीन फॉर्मड इन ओशियन। वो कहां बना, बोले समुद्र में बना। पहला जीव दुनिया में जो आया वो समंदर के अंदर में आया, ये बोलना है किसका, मेरा No. किसका, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो बस लॉक कर दीजिए माइंड में, लॉक कर दीजिए चीज को माइंड में कि पहला जीव समंदर में आया, हमने उसको क्या टर्म किए, प्रोटोप्लाज्म करके हमने क्या कर दिए, टर्म कर दिया प्रोटोप्लाज्म। दूसरी बात अगर बात करोगे, इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, जब उस समय पर क्या बोलता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म, तो सबसे उस समय पर वो पहला जीव जो कैसा था, बोले यूनिसेलुलर था, एक ही सेल थी बच्चा पार्टी, हो कैसे थी, एक ही सेल थी मतलब। और ग्रेजुअली उसके अंदर में बाद में क्या चेंजेस आया, ग्रेजुअली चेंजेस ऑकर इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड विच फॉर्म इनटू लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। समझ में आता है, मतलब क्या बोले कि सबसे पहली चीज दुनिया में पहले एक जीव आया, वो कहाँ आया, समुंदर के अंदर आया, समुंदर के अंदर में आया, उसके बाद में वो कैसा था, वो उस समय पर यूनिसेलुलर था, और यूनिसेलुलर रहने के बावजूद बाद में उसमें क्या आ गया, चेंजेस आते गया, क्योंकि हैबिटेट पे से। समय कैसा होता है, जब वो एक यूनिसेलुलर था तो ऑटोट्रॉपिक रहा होगा, पहले ऑटोट्रॉपिक रहा होगा या हेटरोट्रॉपिक रहा होगा, समझ में आता है, इस तरीके से वहां पर ऑटोट्रॉपिक से हेटरोट्रॉपिक बना होगा, हेटरोट्रॉपिक से फिर ग्रेजुअली एडाप्टेशन में चेंजेस आते गए, हैबिटेट में चेंजेस आते गए, और हैबिटेट में चेंजेस आते गए तो उनके बॉडी स्ट्रक्चर में भी क्या आते गया, चेंजेस आते गया। समझ में आ रही, एंड ऑल द चेंजेस वाज स्लो एंड ग्रेजुअल, और ये जो चेंजेस आए ये स्लो थे और एक के बाद एक आने वाले थे, धीरे धीरे बढ़ते गए, धीरे धीरे क्या होते गए, बढ़ते गए। इसका बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल है मंकीज टू ह्यूमन, मंकीज टू ह्यूमन, है ना। सबसे पहले कितने मंकी से ह्यूमन में कन्वर्ट होने के लिए बहुत समय लग गया था, और बहुत लॉन्ग पीरियड लग गया था, और उसके बाद में क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस इज एट मोस्ट 300 करोड़ ईयर्स।
इसके लिए कितना समय लगता है, लग गया बोले जितना जो अभी तक ये है कि ऑलमोस्ट कितना है ड्यूरेशन इसका, 300 करोड़ ईयर्स क्या लग गया इसके लिए समय लग गया। और उसके बाद में क्या बोलता है, चेंजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज बीन ऑल राउंड एंड मल्टी डायमेंशनल एंड दिस लेड टू द इवोल्यूशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हेंस द ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इवोल्यूशन व्हिच इज ऑर्गेनाइजेशनल। मतलब इसलिए ओवोल्यूशन को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बोलते हैं, क्योंकि देखो इस पेड़ के लिए कैसा होते गया, चेंजेस आए, बदलाव आए, बदलाव तो आए लेकिन इसका जो बदलाव आया ऑलराउंड आया और मल्टी डायमेंशनल, कुछ प्लांट्स की तरफ बढ़ते गए, कुछ एनिमल्स की तरफ बढ़ते गए, कुछ यूनिसेलुलर की तरफ, छोटे जीवों की तरफ, कुछ बड़े जीवों की तरफ, मतलब एक डायरेक्शन बदलाव नहीं, ये बदलाव जीवों में आया तो अलग अलग डायरेक्शन में आया। तो इसकी वजह यह होती है कि उनका हैबिटेट और उसके बाद में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एक फिनोमेनन है जिसके लिए फूड के लिए स्ट्रगल करते एनिमल्स या कोई भी जीव फूड के लिए स्ट्रगल करेंगे। तो वो सब चीज़ें उनकी जो उनको जो अवेलेबिलिटी है, किस प्रकार का एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट की अवेलेबिलिटी पर, नेचर के ऊपर, किसके ऊपर, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है उसके अंदर में बदलाव किस प्रकार का है, डिपेंड किसके ऊपर करता है, नेचर के। और इसलिए बोलते हैं कि मल्टी डायरेक्शनल है और इसलिए बोले कि इवोल्यूशन एक कैसी प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशनल क्या है, प्रोसेस है। और इसके अंदर में प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होता है किसका, प्लांट्स एंड एनिमल का, फ्रॉम द एंसेस्टर फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, उसी चीज को क्या बोलते हैं, हम इवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के लिए आपको सबसे पहली चीज, मोटी मोटी दो चार चीजें याद रखना बच्चा पार्टी। पहली चीज, फर्स्ट लाइफ कहाँ आई, तो फर्स्ट लाइफ कहाँ पर है, ओशियन में। तो हम ऐसा बोल सकते अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, क्या बोल सकते बच्चा पार्टी, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, अकॉर्डिंग द फर्स्ट लाइफ, ये थ्योरी को भूलना मत, आगे उनको इसके प्रूफ ढूंढना है। द फर्स्ट लाइफ क्या बोलोगे, फर्स्ट लाइफ मटेरियल या फर्स्ट लिविंग मटेरियल बोल देता, चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट लिविंग मटेरियल जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, प्रोटोप्लाज्म, उसी को हमने फर्स्ट लिविंग मटेरियल बोले, जो पहली सेल, प्री सेल जो थी, हैज फॉर्म कहाँ पर बनी बच्चा पार्टी, ऑन इट ओशियन, कहाँ पर बनी बच्चा पार्टी, ओशियन। और कैसे बनी, मैंने कल का मेरा पिछला लेक्चर देखो, आप पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे बनी है। आपको मालूम है कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे एलिमेंट थे एटमॉस्फेयर के अंदर में, आपस में बॉन्डिंग करते गए, वाटर बना, अमोनिया बना, और उसके बाद मीथेन बना, फिर उसके बाद में वाटर का कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होकर के वाटर जमीन पर आया, सॉइल गेटिंग कूल एंड विच इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जस्ट लाइक एज फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा, एंड न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन इज द लैंडमार्क साइन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, बिकॉज न्यूक्लिक एसिड ओनली प्रेजेंट इन द लिविंग थिंग, नॉट अ नॉन लिविंग थिंग, बिकॉज डीएनए आरएनए विच आर द पार्ट ऑफ द लिविंग सेल्स, डीएनए आरएनए इज द पार्ट ऑफ द लिविंग सेल्स। न्यूक्लिक एसिड मीन्स देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, है ना, फर्स्ट वन इज द डीएनए, सेकंड वन इज द आरएनए, एंड डीएनए एंड आरएनए फाउंड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल्स। ओके गाइस, तो इसका मतलब उससे बना और उसको हमने फिर क्या बोले, एक लाइफ आया करके हमने क्या की, टर्म कर दिया। तो इस तरीके से जीव बना बच्चा पार्टी। दूसरी बात, इसने जो बताया कि इस समय पर अगर बात किया, इन कोर्स ऑफ टाइम मतलब उस समय पर वो यूनिसेलुलर था। कैसा था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म। बहुत इजी है, थ्योरी बहुत इजी है, बहुत अच्छे से आपके बुक के अंदर में दी गई है, मैं बहुत अच्छे तरीके से बुक के अंदर में दी गई, ग्रेजुअली उसके अंदर मैं ज़्यादा उतना दुनिया भर का नहीं लिखाऊंगा, ग्रेजुअली चेंजेस आए इसके अंदर में, ग्रेजुअली चेंजेस ऑकर इन इट एंड फॉर्म्स सम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। ओके, ग्रेजुअली चेंजेस ऑकर्स and forms complex organism, complex organism, complex and multicellular organism, इस चेंजेस के लिए जो चेंजेस आया, दिस चेंजेस इज वेरी स्लो, ये चेंजेस जो था बहुत स्लो है, एकदम से नहीं आया,
समझ बात आ रही है। ये चेंजेस बहुत कैसे थे, स्लो थे, कैसे थे, स्लो थे। ऑल दो चेंजेस वर स्लो, कैसे थे, स्लो, एंड कैसे थे, धीरे धीरे आने वाले थे, ग्रेजुअल थे। क्या बोलोगे, ऑल दीज चेंजेस वर, ऑल दीज चेंजेस, ये जो बदलाव थे चेंजेस वर क्या, स्लो, क्या बोलोगे, स्लो एंड ग्रेजुअल, स्लो एंड ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब एक के बाद एक बढ़ते जाना, बढ़ते जा रहे थे वो चेंजेस, बढ़ते 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 जा रहे थे। समझ में बात आ रही है। देखो आज भी आप लोग देखो, अभी तुमने एक हिस्ट्री वगैरह में पढ़े होगे, हिस्ट्री अगर आपका मराठी इसमें रहा होगा तो अश्मयुगातील मानव आपने पढ़े होगे कुछ हिस्ट्री वगैरह में, है ना, है ना, है ना, लोह पुरुष, ये पुरुष, तो हैंडीमैन वगैरह ऐसे आपने पढ़े होगे ना, वो पहले ऐसा चार पाँव पर, फिर ऐसा कुकड़ा उकड़ा, फिर ऐसे स्ट्रेट होते हुए आया, तो कितना कितना बदला। उनको देखो और अपने आप को कंपेयर करो, आपको बहुत फर्क नजर आएगा, बहुत बदलाव नजर आएगा। ये बदलाव आने इसके लिए बहुत समय लग गया, बहुत समय लग गया। ड्यूरेशन ऑफ ऑल दिस चेंजेस एटलीस्ट 300 करोड़ ईयर, मतलब यूनिसेलर से मल्टी सेलर होने के लिए, कॉम्प्रेस कंपाउंड बनने के लिए ये कितना समय लग गया, 300 करोड़ ईयर्स लग गया। ड्यूरेशन फॉर ऑल दिस चेंजेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यूरेशन फॉर ऑल दिस चेंजेस, ऑल दिस चेंजेस, चेंजेस इज कितना, 300 करोड़ ईयर्स। क्या बोलोगे, 300 करोड़ ईयर्स, इतना समय से। समझ बात आ रही है। एंड ये जो चेंजेस है, दिस चेंजेस आर, क्या बोलोगे, दिस चेंजेस ऑकर, क्या बोलोगे, दिस चेंजेस ऑकर, क्या बोलोगे, ऑकर्स इन, अगर मल्टी डायमेंशनल, क्या बोला मैंने, मल्टी डायमेंशनल, ऑल राउंड, एंड हैज बीन भी बोल सकता था, हैड बीन भी बोल सकता, दिस चेंजेस ऑकर, हैड बीन, क्या बोलोगे, हैड बीन, had been, this changes had been occurs, ऐसा बोलना चाहिए, this changes had been occur, क्या बोलोगे, had been, क्या बोलोगे, had been, had been, had been, सीधे सीधे बोल दो ना यार, all round, क्या बोलोगे, all round, and क्या बोल दो, मल्टी डायमेंशनल, क्या बोल दो बच्चा पार्टी, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या हो गया, ये एक ही तरफ नहीं, ऐसा ह्यूमनस बना, ऐसे अलग अलग टाइप के जीव बन रहे ना, कितनी ग्रेट वेराइटी है, कितनी सारी ग्रेट वैरायटी है। अगर आप इस खिड़की से बाहर भी झाँक के देखते हो, दरवाजे से बाहर देखते हो, तो आपको जियो के अंदर में ग्रेट डाइवर्सिटी नजर आएगी। तो डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है, मतलब जो चेंज, जीव तो पहले एक ही जैसा बना था, स्टार्टिंग में तो जीव एक ही जैसा बना था ना। अरे मेरा बोलने का मतलब है, हमारे जितने भी दुनिया में जीव है, ये थ्योरी के हिसाब से जितने भी दुनिया में जीव है, इन सब का एंसेस्टर सेम है, इन सब का एंसेस्टर क्या है, सेम है। और वो एंसेस्टर कौन, वो प्रोटोप्लाज्मिक सेल, एंसेस्टर कौन, प्रोटोप्लाज्म, एंसेस्टर का मतलब समझता है क्या, पूर्वज, 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 जिनसे हमारी, हमारा निर्माण होता है, उनको, पूर्वजों को हम एंसेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंसेस्टर। तो बताने का उद्देश्य क्या, पहले जीव पानी में आया, पानी में जीव में बदलाव आते गए, बहुत सारे जीव बनते गए, इसका मतलब क्या कि हमारे सबके पूर्वज क्या है, एक अच्छा, दुनिया में जितने भी जीव है, इन सबके एंसेस्टर एक ही, ऐसा बोलना है किसका, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये लास्ट तक वही लेके जाती है कि ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ हैव अ कॉमन एंसेस्टर, थ्योरी यही बताती हुई जा रही है, ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ हैव अ कॉमन एंसेस्टर, इनका सबके एंसेस्टर क्या है, सेम है। समझ में बात आ रही क्या, अरे समझ आ रही क्या, एंड लेट टू द ग्रामेज, एंड लेट टू द, क्या बोलोगे, एंड लेट टू, एंड लेट टू, क्या बोला उसने, लेट टू इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेट टू इवोल्यूशन ऑफ, लेट टू इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और उनसे क्या बने, बोले पूरे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बने, मतलब इसका बोलना ये हो गया कि उस एक ही जीव से क्या बने, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म बने। इट मीन्स दैट, बोलोगे इट मीन्स दैट, इसका मतलब हो गया, इट मीन्स दैट, इट मीन्स दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिजम्स, बोलोगे ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव कॉमन एंसेस्टर, क्या हो गया, कॉमन एंसेस्टर, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि सारे जीव का एंसेस्टर क्या है, कॉमन है। ये बोलना है किसका, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है और ये सही है, इसके लिए आगे आपको क्या पढ़ना है, इसके एविडेंसेस पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एविडेंसेस। इज इट क्लियर गाइस, अरे इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो उसका। तो बच्चा पार्टी, अभी आपको डिस्कस करना है एविडेंसेस के बारे में। अब एविडेंसेस देखो भाई, दुनिया क्या मांगती, सबूत मांगती। अब इस थ्योरी तो आई, थ्योरी आई, थ्योरी ने इस तरीके से बता दिया कि बोले समुद्र तो क्या था, हम मान लेंगे। मैं अगर बता दूं कि पहला जीव यहाँ आया, ऐसा आया, हो गया, तो इसको मान लेंगे क्या हम लोग? उसके लिए तो सबूत होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, सबूत। तो इसके लिए कई सारे एविडेंसेस है कि जो इस थ्योरी को सही साबित करते हैं।
इसे बहुत सारे एविडेंसेस है। अब उनमें से कुछ एविडेंसेस की अगर बात करें तो इसमें मॉर्फोलॉजिकल कुछ एविडेंसेस है, कुछ प्लांटोलॉजिकल एविडेंसेस है, कुछ इम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस है। अब उसमें से सबसे पहला अगर बात करूं तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, पहला वाला एविडेंसेस के अंदर में आता है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अब बोलोगे सर सुनो 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 बच्चा पार्टी, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में समझ दो पहले बच्चा पार्टी, बाद में समझेगा। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जिनके स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लगता है कि यार इनका ओरिजिन एक ही चीज से हुआ होगा। तो अलग अलग स्पीसीज के जीव में आपको सिमिलैरिटीज उनके स्ट्रक्चर में नजर आती है। अलग अलग स्पीसीज के जीवों के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स है, बॉडी के उनके पार्ट है, ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर में आपको क्या नजर आएंगे? सिमिलैरिटीज नजर आएगी। वो सिमिलैरिटी चीख चीख के बता रही है कि ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व फ्रॉम द सेम एंसेस्टर। उनकी कहीं ना कहीं ओरिजिन सेम रहा होगा, बाद में हैबिटेट चेंज हुआ होगा उनका, कुछ ऐसा हैबिटेट चेंज होने की वजह से या रहन सहन चेंज होने की वजह से उनमें क्या होगा बदलाव आए। अगर बात मैं करता हूँ, अगर बात करोगे, अगर आप देखोगे वेरियस सिमिलैरिटी दिखाई देगी आपको। अगर बात करोगे किस में? माउथ। देखो सभी के अंदर माउथ है, सभी के पास मुंह है ना, सभी जीवों के पास है। अगर एनिमल्स है तो माउथ है, पोजीशन ऑफ आई सेम है कि आई की पोजीशन जैसे नॉस्ट्रिल के दोनों साइड में होगी होना चाहिए। हर जीव को देखो, मैंटन जीवों में पोजीशन वैसी क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। उसके बाद में अगर बात करोगे स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल दोनों नॉस्ट्रिल का स्ट्रक्चर भी बहुत सारे जीवों का क्या दिखाई देता है, सेम दिखाई देता है। एंड ईयर पीना, मैक्सिमम जीवों में किसी का छोटा है तो किसी का बड़ा है, लेकिन ईयर पीना मैक्सिमम जीवों में है, मैक्सिमम एनिमल्स में है ईयर पीना। तो ये सब आपको अगर थिकली थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स बॉडी के अंदर में थिकली क्या डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स। अब ह्यूमन में थोड़ा कम हो गए क्योंकि ह्यूमन क्या कर रहा है, क्लॉथ वियर करता है, ह्यूमन क्या करता है, क्लॉथ वियर करता है, इसलिए ह्यूमन के ये हेयर्स क्या हो गए, कम हो गए। नहीं तो हम पहले देखो मंकीज को देख लो, पूरे बॉडी पर उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या है, हेयर्स है ना। तो ये सब चीजें देखो, ये जो सिमिलैरिटीज है ये तो होगी किसकी, एनिमल्स की। अभी प्लांट्स की देख लो, प्लांट्स में भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। लीफ का शेप ऑलमोस्ट एक जैसा बहुत सारे प्लांट का होता है, एक जैसा शेप होता है बहुत सारे प्लांट का। वेनेशन, लीफ वेनेशन नहीं क्या, इस तरीके से लीफ वेनेशन अगर पत्ता है जिस तरीके से ये ऐसा, ये इसका क्या हो गया, वेनेशन हो गया, इसका क्या हो गया, वेनेशन। मैक्सिमम प्लांटों में सेम होता है, मैक्सिमम प्लांटों में क्या होता है, सेम दिखाई देता है। कुछ प्लांटों में देखो जिन जिन में सेम है, किसी में ऐसा होता है तो किसी किसी में अलग होता है, किसी किसी में ऐसा होता है ना, ऐसे एक पॉइंट से इसका स्टार्टिंग होती है ना, बाबा होती है ना, तो ऐसे आपको वेरिएशन दिखाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे सिमिलर मिल जाएंगे, ऐसे ही बहुत सारे सिमिलर मिल जाएंगे, उनमें सिमिलैरिटीज है। मतलब क्या है, ये क्या बता रही, इनका इवोल्यूशन कहीं ना कहीं किससे होगा, एक ही चीज से हुआ होगा है ना, इवोल्यूशन कहीं ना कहीं एक ही चीज से हुआ होगा। ये सब चीजें है, या फिर लिप पेटियोल्स ढेटी होना, लिप की ढेटी वगैरह होना ना, ये सब चीजें आपको क्या बता रही है कि सभी के एंसेस्टर क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो इस सिमिलैरिटी पे से हम लोग अनुमान लगाते हैं, इसलिए माने हमने कि नहीं यार तेरी आप इवोल्यूशन क्या बोल रही है, सही बोल रही है कि सही, कहीं ना कहीं तो हमारे पहले एंसेस्टर क्या रहे होंगे, सही रहे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बात करोगे मॉर्फोलॉजी का एविडेंस में बता सकते हैं, वेरियस ऑर्गेनिजम्स क्या बोलोगे, ऑर्गेनिजम्स सोच क्या बोलोगे, सोच क्या बोलोगे, वेरियस ऑर्गेनिजम्स सोच, सिमिलैरिटीज इन देयर स्ट्रक्चर क्या बोलोगे, इन देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आपको सिमिलैरिटीज दिखाई देती है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल मॉर्फोलॉजी जिसको एनाटॉमी बोलते हैं, और दूसरा होता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। हम बात यहाँ पर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। हम एनाटॉमी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर की जहाँ स्टडी करते उसको एनाटॉमी बोलते हैं, समझ में आता है, इंटरनल स्ट्रक्चर की जहाँ स्टडी करते उसको एनाटॉमी। हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम एक्सटर्नली ऊपर ऊपर लुक देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करोगे तो जैसे वेरियस अगर बात करते हो, वेरियस एनिमल्स क्या बोलोगे, एनिमल्स बात करते हो, मैं अभी पहले किसकी बात करता हूँ, एनिमल्स लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आई लाइक। अगर बात करोगे वेरियस एनिमल्स, वेरियस सिमिलैरिटीज लाइक, अगर बात करोगे वेरियस सिमिलैरिटीज इन एनिमल्स क्या बोलोगे, इन एनिमल्स क्या बोलोगे, एनिमल्स लाइक क्या बोलोगे, लाइक अगर वेरियस सिमिलैरिटीज सोच इन एनिमल्स कर दो, सोच इन एनिमल्स लाइक क्या रे बाबा, माउथ पोजिशन ऑफ माउथ, या फिर बोल सकते हो पोजिशन ऑफ आईज, क्या बोल सकते हो पोजिशन ऑफ आई, आई की पोजीशन, माउथ की पोजीशन,
किसकी पोजीशन, माउथ की, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल मतलब नाकाचे सोत्रे बाबा, नॉस्ट्रिल समझ आता है, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल एंड ईयर पीना, क्या बोलोगे, एंड ईयर पीना, क्या बोलोगे, ईयर पीना, ईयर पीना मतलब एक कान का, ये है ना, ये कान का, ये जो कान का ऊपर का पोर्शन है उसको ईयर पीना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईयर, समझ में बात आ रही है, मैंने क्या बोला, एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर, क्या बोलोगे, एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर, एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर, डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर, हेयर बॉडी के ऊपर में थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर दिखाई देंगे आपको, तो थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर से दिखाई दे रहे, ये मतलब ये सिमिलैरिटीज है, अगर बात करोगे तो वे अगर सिमिलैरिटीज नहीं, अगर बात करोगे, वेरी सिमिलर, वेर एज क्या, वेरी सिमिलैरिटी, अगर अगर सिमिलैरिटीज क्या बोलोगे, सिमिलैरिटीज क्या बोलोगे, सिमिलैरिटीज इन प्लांट्स, प्लांट्स आर, अगर बात करोगे सिमिलैरिटीज इन प्लांट्स आर, अगर बात करोगे लीफ वेनेशन, क्या बोलोगे, लीफ वेनेशन, लीफ वेनेशन सिमिलर दिखाई देता है, लीफ पेटियोल, क्या बोलोगे, लीफ पेटियोल, लीफ पेटियोल, शेप ऑफ लीफ, क्या बोलोगे, शेप ऑफ लीफ, क्या बोलोगे, शेप ऑफ लीफ, तो ये जो सिमिलैरिटीज है, अबाउ ऑल सिमिलैरिटीज इंडिकेट दैट, क्या बोलोगे, अबाउ ऑल सिमिलैरिटीज, क्या बोलोगे, अबाउ ऑल सिमिलैरिटीज इंडिकेट दैट, ये बता रही है हमको, इंडिकेट कर रही है, इंडिकेट दैट, क्या बता रही है बच्चा पार्टी है, ये क्या बता रही है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव कॉमन एंसेस्टर, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव, ऑर्गेनिजम्स हैव कॉमन एंसेस्टर, क्या बोलोगे, कॉमन एंसेस्टर, या फिर ऐसे बोल सकता था मैं कि उनका एक ही चीज से क्या हुआ है, चलो मैं लास्ट में घुमा फिरा करके मैं वहीं पर आऊंगा, हर बार हर एविडेंस में कि सभी के एंसेस्टर क्या है, सेम है, ऐसे सिमिलैरिटीज है भाई, इसलिए इनका इवोल्यूशन क्या होगा, ये इवोल्यूशन एक ही चीज से हुआ है, बात अलग है एनवायरमेंट चेंज, हैबिटेट चेंज, इसकी वजह से अभी थोड़ा एक्सटर्नली क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है, समझ में बात आ रही है, लेकिन बाकी चीजें इनका सेम है, उम्मीद करता हूँ बच्चा पार्टी टॉपिक आपको समझा होगा, ये पहला एविडेंस